गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। कहने का तात्पर्य है कि गुरु की ऊर्जा सूर्य के समान है और उसकी आभा इस अनंत धरती के समान। गुरु की महिमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। गुरु का सुंदर साथ ही इस संसार में महत्वपूर्ण उपहार है। दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाई पोषण। दोस्तों, क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस? भारत में साल 1962 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे तो जहां शिक्षकों के सम्मान में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वहीं भारत में ये एक महीने पहले 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसी साल मई में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश के दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला था। इससे पहले 1952 से 1962 तक वे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन के मित्रों ने उनसे गुजारिश की कि वे उन्हें उनका जन्मदिवस मनाने की इजाजत दें। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि उन्हें प्रसन्नता होगी अगर उनके जन्म दिवस को शिक्षकों को याद करते हुए मनाया जाए। इसके बाद 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक ऐसे समन्वय का उदाहरण था जिसमें 20वीं सदी के महान विद्वान, भारतीय दर्शन के व्याख्याता और राजनीतिज्ञ नेता का अनुपम उदाहरण देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन शास्त्र की उन्होंने अंग्रेजी में इस प्रकार भावपूर्ण व्याख्या की है जिसे यूरोप और अमेरिका के निवासियों ने समझकर भारत के प्रति अपने विचारों में परिवर्तन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के संबंध में यह कहा जाता है कि वे शिक्षक थे। इसका कारण यह कि उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग अर्थात 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में बिताए थे, परंतु उन्होंने शिक्षा के साथ साथ लेखक, प्रशासक और राजनीतिज्ञ के रूप में भी महान दक्षता का परिचय दिया था। शिक्षक के रूप में उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किया उसे ऑक्सफोर्ड, कलकत्ता और हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के अतिरिक्त सभी भारतीय भली प्रकार से जानते हैं। राजनीतिज्ञ के रूप में वे रूस में राजदूत रहे, उस काल को भी बड़ी योग्यता पूर्वक निभाया। कहा जाता है कि जब वे मास्को में अपना राजदूत का कार्य समाप्त करके वहां से विदा होने लगे तो रूस के तानाशाह मार्शल स्टालिन की आंखें भी सजल हो उठी। राधाकृष्णन के विदा होते समय स्टालिन बोले, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे मानव समझकर मेरे प्रति सद्व्यवहार किया है, दानव समझकर नहीं। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं तो अब अधिक दिन जीवित न रहूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आप दीर्घजीवी हों। यह कहते हुए उस शक्तिशाली अधिनायक की आंखें भर आई थी। वस्तुतः सोवियत रूस से भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों की शुरुआत जितनी अच्छी तरह डॉक्टर राधाकृष्णन के हाथों हुई, संभवतः दूसरा व्यक्ति इस दुष्कर कार्य में सफल न होता। परंतु डॉक्टर राधाकृष्णन का मानवीय दृष्टिकोण, सरलता और विनम्रता ही सबसे अधिक सहायक हुए। जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। इसके साथ साथ वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की विशेषता यह थी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राज्यसभा की उपयोगिता को सिद्ध किया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। विश्व भर में इस बात की बड़ी प्रशंसा हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल नाम मात्र का 2,500 रुपया वेतन लेना स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए सर्वथा पद की गरिमा के अनुरूप कार्य किया। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म को भारत पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है।